पिछले साल रिलीज हुई फिल्म बाहुबली 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि अब बाहुबली 2 को टक्कर देने के लिए भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ अपनी फिल्म वीर योद्धा महाबली लेकर आ रहे हैं। मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आदर्श ने ट्वीट फिल्म के पोस्टर शेयर किए हैं। ये फिल्म भोजपुरी के साथ हिंदी, बंगाली, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। ये भोजपुरी की पहली फिल्म होगी जो बाहुबली से टक्कर ले रही है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्म महाबली के हीरो का किरदार निभाने वाले दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ की, जिनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। गाजीपुर के कड़वा गांव का रहने वाला निरहुआ एक ऐसा नाम है जिसने अपने घर में हर वो दुख देखा जो एक झोपड़पट्टी में रहने वाला देखता है। आज वो ही निरहुआ पिता के साथ झोपड़पट्टी से निकलकर बिहार से लेकर बॉलीवुड तक अपना नाम कमा रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब निरहुआ के पिता की मंथली इनकम महज 3500 रुपए थी और इसी में 7 लोगों का परिवार चलता था। पैसा कमाने के लिए उनके पिता दोनों बेटों को लेकर कोलकाता चले गए। वे वहां दोनों बेटों को लेकर एक झोपड़पट्टी में रहने लगे। इस दौरान वे मजदूरी के 3500 रुपए कमाते थे। निरहुआ ने यहां के मलिकपुरा कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की और निरहुआ की लाइफ काफी स्ट्रगल वाली रही। बताया जाता है कि उनके घर में कभी साइकिल तक नहीं थी। भला अब भोजपुरी के स्टार बनने के बाद वे एक फिल्म के 40 से 50 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं।